दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लगातार महाराष्ट्र सरकार, आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस पर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और सबसे ज्यादा आदित्य ठाकरे पर ये सवाल लग रहे थे कि इस केस में जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस है, इसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम जुड़ रहा था, जिसे लेकर आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आज सफाई दे दी है कि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। आदित्य ठाकरे ने अपनी ट्वीट में लिखा, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड मुंबई का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत से लोगों का जीवन इस पर निर्भर करता है। हाँ, मेरे भी इस इंडस्ट्री के साथ बहुत से संपर्क हैं, लेकिन वो कोई अपराध नहीं। सुशांत सिंह राजपूत का निधन बहुत हैरान करने वाला और दुखद है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और महाराष्ट्र पुलिस पूरी दुनिया में मशहूर है। वो जो प्रोटोकॉल में यकीन रखते हैं, वही लोग हैं जो जांच को गुमराह किए जाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का नाती होने के नाते मैं ये बात बता दूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे महाराष्ट्र, शिवसेना या ठाकरे की साफ छवि को बट्टा लगे। जो लोग आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। कोई भी जिसे इस मामले में किसी भी तरह की काम की जानकारी पता है, उसे पुलिस से संपर्क करना चाहिए। मैं बहुत धैर्य के साथ सक्रिय बना हुआ हूँ। किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो इस मामले में सरकार और ठाकरे परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं। ये ओछी राजनीति है, लेकिन मैं धैर्य बनाए हुए हूँ। लोग जल रहे हैं और ऐसा महाराष्ट्र सरकार की कामयाबी के चलते हो रहा है। कुछ लोग बेमतलब ठाकरे परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं और ऐसा उनकी खींच और राजनीतिक नाकामयाबी के चलते हो रहा है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना इंसानियत के दामन पर दाग है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब आदित्य ठाकरे के इस ट्वीट पर अभिनेत्री कंगना रनावत ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि देखो तो जरा डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में कौन बातें कर रहा है। ये सवाल आपको अपने पापा से पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में उन्होंने किस तरह से सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। चलिए, इन सभी बातों को छोड़ दीजिए, मैं जो सवाल आपसे करना चाहती हूँ, जरा इन सवालों का जवाब दीजिए। कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में आदित्य ठाकरे से ये सवाल पूछा कि रिया चक्रवर्ती कहाँ पर है। दूसरा सवाल ये पूछा कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की जो अप्राकृतिक मौत है, उस पर अभी तक कोई FIR दर्ज क्यों नहीं की। तीसरा सवाल कंगना रनौत ने ये पूछा कि जब फरवरी महीने में सुशांत सिंह राजपूत को जान का खतरा है ऐसा कहकर जब उनके परिवार ने FIR लिखवाने की कोशिश की, तो फिर मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को किस तरह से आत्महत्या करार दे दिया। चौथा सवाल कंगना रनौत ने ये पूछा कि हमारे पास क्या कोई फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट नहीं है जो इस बात का पता कर सके कि सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल में क्या डेटा थे और उस हफ्ते की कॉल डिटेल्स, जिस हफ्ते में सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, क्या उसकी डिटेल्स हम नहीं निकाल सकते। चौथा सवाल कंगना रनौत ने ये पूछा कि IPS विनय तिवारी को कोरोना के नाम पर क्वारंटाइन करके बंद कर देना क्या सही है। कंगना रनौत ने ये पूछा कि CBI जांच से इतना डर क्यों लग रहा है, कि रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली ने सुशांत सिंह राजपूत को क्यों लूटा। अपने सवालों को खत्म करते हुए कंगना रनौत ने ये पूछा कि इन सभी सवालों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आप इन सभी सवालों का बस सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। देखिए, आज कई बातें हुई जिसमें नारायण राणे ने भी ये कहा कि दिशा सालियान के साथ रेप हुआ और उसके बाद उन्हें जान से मार दिया गया। ये बात दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को बताई थी, इसलिए उन्हें भी मार दिया गया। देखिए, अब कोई इसमें कितनी भी बात कर ले कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब राजनीति घुस चुकी है। तो सरकार का काम होता है अपना काम और अपना फर्ज वो ईमानदारी से निभाए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो। पुलिस का काम तो ये होता है कि इस देश से वो उस हर अपराध को खत्म करे जिसकी वजह से इस देश की आम जनता परेशान होती है। जिसके साथ अन्याय होता है उसे इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। और पुलिस चाहे राज्य की हो या किसी
किसी और राज्य की हो, इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि जो भी अपराध हो उसकी सही सही जानकारी निकल कर आ सके। देखिए आदित्य ठाकरे ने एक बात जो अपनी ट्वीट में कही थी कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसके चलते महाराष्ट्र, उनके पिता उद्धव ठाकरे जी और उनके दादा बाला साहब ठाकरे जी का कोई नाम खराब हो, ऐसा वो कोई भी काम नहीं करेंगे। और एक सच्चे राजनेता का यही फर्ज होता है कि अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई इल्जाम लग रहा है, बार बार उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, तो उसे सामने आकर उस बात को बता देना चाहिए कि इस मामले में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और यही काम आदित्य ठाकरे ने भी किया है। लेकिन जो काम मुंबई पुलिस कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को जिस तरह से घुमाया जा रही है उस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, ना ही पटना पुलिस को काम करने दिया जा रहा है, तो इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा, मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की सरकार? कुछ दिन पहले तक मुंबई पुलिस ये कह रही थी कि दिशा सालियान के मौत से जुड़ी जो भी फाइल थी वो डिलीट हो गई थी, वो नहीं मिल रही है। लेकिन अब अचानक से मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो शेयर कर दी है, जिसमें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि दिशा सालियान की मौत जो हुई है वो 14वीं मंजिल से गिरने की वजह से हुई है और उनके सर पर काफी चोट लगी थी जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। वहीं रिया चक्रवर्ती के मामले में भी पटना पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, बहुत बड़ा सबूत मिला है, जिसके चलते जो पटना की टीम यहां पर मुंबई आई हुई थी अब उसमें से एक सिपाही कल पटना जाएगा और वहां पर एक फ्रेश FIR रिपोर्ट लिखी जाएगी, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के लिए तेजी लाई जाएगी और रिया चक्रवर्ती को पकड़ा जाएगा। वहीं बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे जी ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि रिया चक्रवर्ती कहीं पर भी छुपी होंगी, जमीन खोद कर उन्हें निकाल लिया जाएगा, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है, आदित्य ठाकरे ने जो कहा, जो कंगना रनौत ने कहा और जो बिहार पुलिस कर रही है और जो मुंबई पुलिस कर रही है, इन सभी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।